जिद्दी है। आपको क्या लगता है लाइफ में स्ट्रगल सिर्फ आपने किया, बाकी सब हम रिच सिविलियन किड्स की लाइफ तो बस वो रोज़ेस आर रेड, वायलेट्स आर ब्लू, समथिंग लाइक दैट। I'm sorry, sir. अगर आपका वर्ल्ड व्यू इतना लिमिटेड है, then it's really not my problem. आपके लिए उसे पापा की परी, रानी साहिबा, ये सब बोल के इग्नोर कर देना बहुत इजी होगा, नहीं? पर मैंने देखा है मोनामी को अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हो। एंड माइंड यू, स्ट्रगल सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होती, इमोशनल भी होती है, मेंटल भी होती है। और मैंने देखा है अपनी फ्रेंड को, उसकी एम्बिशन, उसकी बिलीफ, उसके ड्रीम्स के लिए स्ट्रगल करते हो। लेकिन मोनू कहां पढ़ेगी, क्या करेगी, किससे मिलेगी, सांस कैसे लेगी, किससे दोस्ती करेगी, ये सब वो अंकल डिसाइड करते हैं। Enough is enough, Monami. अब तुम्हारी जिद नहीं चलेगी, मेरी मर्जी चलेगी। अब तुम यहां नहीं रहोगी, इस अकेडमी में। और तुम मेरे साथ घर चलोगी और वहां चल के अपनी हॉस्पिटल चलाओगी। अकेडमी आना ना, ये मोनू का डिसीजन था, उसकी जिद थी। लाइफ में पहली बार उसने अपने पापा के अगेंस्ट स्टैंड लिया और ये ट्रेनिंग करके इस अकेडमी में आके वो खुश है, बहुत खुश है, क्योंकि यही उसका ड्रीम है, यही उसकी एम्बिशन। और आपको जो भी लगता है, ये जर्नी उसके लिए केक वॉक नहीं। तो आप ये जो आपका गिल्ट है, ये गिल्ट नहीं है, ये सेल्फिशनेस है। स्पेशल एजेंट करण शेरगन, आपके सेल्फिशनेस को मैं मोनामी के ड्रीम्स के बीच में नहीं आने दूंगा, चाहे कुछ हो जाए। मोनामी अपनी लाइफ में क्या करेगी और क्या नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ मोनामी डिसाइड करेगी और कोई बात नहीं। पर सिडनी तो ट्रिगर यूज करने की कोशिश में गोली चल गई। मोनामी, गनशॉट क्लोज रेंज से हुआ, कोई एक्सीडेंट नहीं था, किसी ने जानबूझकर डिस्टेंस से तुम्हें गोली मारी है। जो कोई भी है, मैं पता लगा के रहूंगा और उसे ऐसी सजा दूंगा, ऐसी सजा दूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। अपना गिल्ट कम करने के लिए उससे उसके सपने मत छीनो। She trusts you. महाजन अंकल को सब सच बता के फिर से उसका ट्रस्ट मत तोड़ो। मोनामी के लिए इतना करना तो बनता है, राइट?
इसके और सिद्धार्थ जैसे प्रिविलेज लोगों को पता चलना चाहिए, ये कोई आउटडोर एडवेंचर स्पोर्ट्स का कैंप नहीं, ट्रेनिंग अकेडमी। आपको क्या लगता है लाइफ में स्ट्रगल सिर्फ आपने किया, बाकी सब हम रिच सिविलियन किड्स की लाइफ तो बस वो रोज़ेस आर रेड, वायलेट्स आर ब्लू, समथिंग लाइक दैट। पापा की बरी है, छोटी छोटी बातों पर झंडी हो जाती। मैंने देखा है मोनामी को अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हो, एंड माइंड यू स्ट्रगल सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होती, इमोशनल भी होती है, मेंटल भी होती है। तुम हो उन्हीं रिच स्पॉइल्ड प्रिविलेज किड्स जैसे, इन्हें जिंदगी में हर कुछ इतनी आसानी से मिला है कि किसी की जान तक की परवाह नहीं है। अकेडमी आना ना, ये मोनू का डिसीजन, उसकी जिद थी। लाइफ में पहली बार उसने अपने पापा के अगेंस्ट स्टैंड लिया, और ये ट्रेनिंग करके इस अकेडमी में आके वो खुश है, क्योंकि यही उसका ड्रीम है, यही उसकी एम्बिशन है। इस बार जजमेंट की गलती तुमसे नहीं होगी मोना, मुझसे हुई। Really, really sorry. फैजी, तुम जो कह रहे हो या जिस तरह से तुम एक्सप्लेन कर रहे हो, मैं मान सकता हूं, मान लूंगा, एक्सेप्ट कर लूंगा कि वो एक एक्सीडेंट था, लेकिन बाकी सब वो इस बात को नहीं मानेगा। शेर बिल की सर्विस रिवॉल्वर से गोली चली है और मोनामी को लगी है, पुलिस तो इन्वेस्टिगेट करेगी ना, दो मिनट में पता चल जाएगा कि सिद्धार्थ गंजू और मोनामी की गवाही झूठी है, तब क्या करोगे? सर, शेर बिल, आर यू ओके? तुम ठीक तो हो? हाँ सर। आई एम सॉरी शेरगिल, मैं इस बार तुम्हें सेव नहीं कर पाऊंगा। आई हैव टू मैटर दिस रिपोर्ट टू द मिनिस्ट्री। आप वही कीजिए जो सही है सर, प्लीज। शेरगिल, तुम मेरे बेस्ट ट्रेनर हो। माई बेस्ट इज नॉट गुड इनफ सर। टेक केयर करण। सर, मुझे मिनिस्ट्री को लेटर लिखकर ये मैटर रिपोर्ट करना होगा। आई एम सॉरी सर, बट थोड़ी देर वेट कर सकते हैं प्लीज सर? मोनामी अपना स्टेटमेंट दे देगी। और फैसी, एक बाप जिसकी बेटी को गोली लगी है, वो इस एक्सीडेंट वाली थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, चाहे वो मोनामी हो या सिद्धार्थगंज हो। सर, एकेडमी में कुछ पुलिस वाला है। ठीक है सिड, गोली खाने के बाद लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर बेटर हो जाता है। दो तीन गोली मैं मार दूं? बेवकूफ, तुझे लगी गोली मुझसे पूछ रही है? तू ठीक है? डोंट टेल मी तुझे बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं हुआ। स्ट्रेस मी? ब्रो, आई एम सिड जी, आई एम कूल लाइक दैट। स्ट्रेस लेता नहीं, देता, बट गुड टूट गई क्योंकि बाकी सब लोग सुपर स्ट्रेस्ड। मतलब तुझे बिल्कुल भी मेरी चिंता नहीं हुई? मैं मर जाती तो
भूत बन जाती। मुझे पता था तुझे कुछ नहीं होगा। वो डॉक्टर अगर तेरा ऑपरेशन ठीक से नहीं करता ना तो तू खुद ऑपरेशन रोक के अपना खुद का ऑपरेशन कर लेती। पापा को पता है ये सब कैसे हुआ? वॉलनट अंकल को पता चलता तो तेरे ड्रीम्स को गोली मार देते। तो तेरे ड्रीम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने झूठ बोल दी। सुन, तेरी स्टोरी क्या है? ये सब कैसे हुआ? करण ने किया ना ये, उसकी गलती है ना? क्या 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 करूं? मोनू, मो डॉक्टर, नर्स, डॉक्टर, प्लीज मूव, प्लीज वो दुख रहा हूं। क्या आप सब लोगों का यहाँ कोई शूटिंग प्रैक्टिस का ट्रेनिंग सेशन चल रहा था? तुम क्या कल यहाँ कोई शूटिंग प्रैक्टिस की सेशन थी? शूटिंग प्रैक्टिस? ऐसे तो कुछ भी नहीं चल रहा था यहाँ पे। सर ये काफी सारी क्लासेस और ट्रेनिंग सेशंस बंक कर देता है, इसलिए इसे नहीं पता होगा। कल एकेडमी में आउटडोर शूटिंग ट्रेनिंग की प्रैक्टिस चल रही थी। सर इट्स द पार्ट ऑफ आवर ट्रेनिंग, ऐसे सेशंस होते रहते हैं। आपने तो क्लास बंक नहीं की थी, तो क्या आपने मोनामी को ट्रेनिंग सेशन में खुद पे गलती से गोली चलाते हुए देखा? Of course, yes sir. क्या मैं आपकी गन दे सकता हूं? Sure. So. इस तरह की गन ट्रेनर ज्यादा यूज करते हैं ना? Yes sir. करण शेरगिल, क्या वो भी ऐसी गन यूज करते हैं? यस सर। थैंक यू। और कुछ पूछना होगा हम वापस आएंगे। श्योर इंस्पेक्टर, वी विल कोऑपरेट, प्लीज। फैजी सर, ये सब क्या है? मोनामी को गोली कैसे लगी? हम लोग पुलिस से क्या छुपा रहे?
तुम सब इस एकेडमी का हिस्सा हो, तुमसे छुपा के कोई फायदा नहीं है। एक एक्सीडेंट हुआ है, करण ने गलती से फायर कर दिया और गोली मोनामी को लगी है। मोनामी ठीक तो है ना? वो ठीक है। इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है आप सबसे सर? और आप तो ऐसे कह रहे जैसे हाथ से गिलास छूटा और टूट गया, और हम ये पुलिस से झूठ क्यों बोल रहे हैं? तो क्या करते आप सब लोग? करण सर पे डाउट कर रहे हैं? एक ऐसा इंसान जिसने हमारी और बाकी सभी लोगों की जान बचाने के लिए अपनी लाइफ को रिस्क पे लगाया, उस पे डाउट कर रहे हैं हम? मेरी जान बचाने के लिए उन्होंने अपनी गन नीचे रख दी थी। चिराग उन्हें मार सकता था, लेकिन उन्होंने इस बात की कोई परवाह नहीं की। जब मोनामी को चिराग ने पकड़ लिया था, तो मोनामी को बचाने के लिए करण सर ने एक्चुअली गोली खाई। ऐसे इंसान के इंटेंट पे हम डाउट कैसे कर सकते हैं? अगर ये कह रहे हैं कि करण सर से एक्सीडेंटली गोली चली है, तो यही हुआ होगा। वी मस्ट बिलीव हिम एंड वी मस्ट बिलीव करण सर। मैं करण सर के साथ हूं। सही बात है, करण सर जी झूठ नहीं बोलेंगे। मोनामी को होश आ गया, वो अपना स्टेटमेंट दे देगी। हम में से वहां कोई भी नहीं था। जब तक मोनामी अपना स्टेटमेंट नहीं देती, तब तक हमें करण के बारे में कोई भी ओपिनियन फॉर्म नहीं करनी चाहिए। Right? Yes. Dispatch. Goel? Thank you. बॉयफ्रेंड है क्या? अब होगा इस राज का पर्दाफाश। ये क्या है? ये तो दिल की धड़कन की रिपोर्ट है। करण का है?
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.